जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आइए करते हैं कथा को प्रारंभ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी डूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भी भला करना। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।